बीजेपी के नेता अपने भाषणों में राहुल गांधी को अक्सर पप्पू कहकर उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। पार्टी की कमान संभालने के बाद तो वो ज़्यादा मुखर हो गए हैं। राहुल गांधी ने डाटा लीक होने से लेकर CBSE पेपर लीक होने तक के मामले में PM मोदी पर तंज कसा है। राहुल ने हैशटैग बस एक और साल के साथ ट्वीट करते हुए लिखा कि पेपर, आधार, डाटा सब लीक हो रहा है, लेकिन चौकीदार वीक है। राहुल गांधी ने चौकीदार को बताया वीक। डाटा लीक से पेपर लीक पर उठाया सवाल। हैशटैग बस एक साल से किया ट्वीट। ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार है राहुल या विपक्षी एकता की कोशिशों से जगी उम्मीदें? राहुल गांधी ने CBSE पेपर लीक मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है, कितने लीक, डेटा लीक, आधार लीक, SSC एग्जाम लीक, CBSE पेपर लीक, हर चीज में लीक है, चौकीदार वीक है। राहुल गांधी ने कहा कि पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका का डेटा लीक हुआ, इसके बाद आधार की जानकारी लीक हुई, SSC एग्जाम के पेपर तक लीक हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष इतने पर भी नहीं रुके, उन्होंने लिखा कि कर्नाटक चुनाव की तारीख तक लीक हो गई और अब CBSE के 10 के गणित और 12 का इकोनॉमिक्स का पेपर तक लीक हो गए। उन्होंने कहा कि हर चीज लीक है क्योंकि चौकीदार वीक है। राहुल गांधी ने चौकीदार को वीक बताया तो बीजेपी के नेता पलटवार करने में क्यों पीछे रहते? तो उन्होंने भी राहुल के खिलाफ जुबानी जंग छेड़ दी। असल में कांग्रेस इसलिए परेशान रहती है कि जब कांग्रेस का शासन था तो लोग रोज लाखों करोड़ के घोटाले निकलते थे। उनके पूरे शासन काल में 12 लाख करोड़ के घोटाले निकले। अब वो 4 साल हो गया, उनको कोई ऐसी चीज नहीं आती जिस पे वो केंद्र सरकार पे अटैक कर सकें। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और वर्तमान सरकार अगर हमारे समय में भी कोई गलती करता है तो हम उसको छुपाना नहीं चाहते हैं, जो भी दोषी होगा उसको सजा देना चाहते। बता दें कि राहुल ने इससे पहले मोदी ऐप पर भी सवाल उठाए थे और नमो ऐप पर डेटा लीक करने का आरोप लगाया था। अपने ट्वीट में उन्होंने खुद को नरेंद्र मोदी बताते हुए लिखा था, मैं नरेंद्र मोदी हूँ और मेरी ऐप को डाउनलोड करने वालों का डेटा मैं अमेरिका में अपने दोस्त को देता हूँ। दरअसल PM मोदी अक्सर अपने भाषणों में खुद को देश की रक्षा करने वाला चौकीदार बताते रहते हैं। राहुल गांधी ने चौकीदार वीक बताकर उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाकर सीधी चुनौती देने की कोशिश की है और अभी कर्नाटक विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में दोनों दलों में ट्विटर वॉर अभी और तेज होगा। CBSE की परीक्षा में हर साल 10 से 12 लाख परीक्षार्थी शामिल होते हैं। सवाल एक बड़े वोट बैंक का है, सो बीजेपी डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में जुट गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पेपर लीक पर चिंता जताई और कहा कि पेपर लीक की खबर मिलने के बाद रात भर उन्हें नींद नहीं आई क्योंकि वो भी एक अभिभावक है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।